छत्तीसगढ़ के धमतरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति जिला पंचायत सदस्य श्यामा नरेश साहू ने जिले के अंतिम छोर पर बसे डूबन गांव में पहुंचकर वहां की समस्या को देखा और जल्दी से जल्दी निदान करने के लिए अधिकारियों से फोन पर बात की। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने उनसे लिखित में मांग पत्र भी सौंपा है। श्यामा देवी ने ग्राम चिखली पहुंचकर मछुआ समिति के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ इन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ मछुआरे के 16 परिवार रहते हैं, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए इनके पास जाला और कांटा नहीं है। तालाब को लीज पर देने के आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिली है। गांव की बीड़ी श्रमिक महिलाओं ने रोजी रोटी की समस्या रखी है, जिसे कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे महिलाओं का समूह बनाकर कुटीर उद्योग संचालित किया जा सकता है। इसके लिए समूहों को बैंक से ऋण भी दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया एवं बच्चों के साथ समय बिताया, उनसे बातचीत की, सहायिका कोई समस्या पूछी एवं निदान करने का आश्वासन भी दिया। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी के भवन की गुणवत्ता को देखा। इस मौके पर पंचगण मौजूद रहे। अकला डोंगरी में उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बारे में जानकारी ली। कार्यकर्ताओं से टीकाकरण, दवाइयां, प्रसव पीड़ित बहनें एवं गर्भवती माताओं के बारे में जानकारी पूछी। स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल बनाने की मांग पर भी सत्र पूर्ण होने पर उन्होंने करवाने की बात कही है, और साथ ही इस जगह पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का निरीक्षण भी किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत की गई। स्कूल में बिजली व शिक्षकों की कमी पर नजर आई और साथ ही बताया कि बिना पंखा बिना लाइट के किस तरह ये बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो वहीं प्राथमिकी में 2 ही शिक्षक हैं, मिडिल में 2 का स्टाफ है, जिससे अधिकारियों से बात करके तुरंत यहां की समस्या हल करने के बारे में कहा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट जाने के लिए बहुत अधिक असुविधा होती है। एक पुल की मांग अरसे से की जा रही है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है। बारिश में पानी के बहाव होने के कारण गांव वाले उस पार नहीं जा पाते। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं होने के कारण यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या फिर 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। दर्जनों गांव होने के बाद भी दूर दूर तक यहां कॉलेज नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। प्राथमिकी इलाज के बाद हायर ट्रीटमेंट के लिए 40-50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। क्षेत्र में 1 50 बिस्तर वाले अस्पताल की भी मांग की जा रही है, जो कि अरसे से है। इन सभी मांगों को ग्रामीणों ने सभापति के समक्ष रखा, और जिसका सभापति ने जल्द से जल्द पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। और उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करने वाले की कमी कहा जाए कि इन लोग तो हमेशा अपनी मांग को रख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो बच्चे तो उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षक भी मिल जाते हैं तो भवन नहीं है। इस प्रकार से लगातार, क्योंकि यहाँ 12वीं के बाद, हायर सेकेंडरी होने के बाद अगर बच्चे आगे पढ़ना चाहें तो कॉलेज की भी कमी है। और वास्तव में क्योंकि ये डुबान प्रभावित क्षेत्र है, और डुबान के ही कारण, क्योंकि गंगरेल बांध के कारण हर क्षेत्र के हर काम के लिए इनको धमतरी जाना पड़ता है। अभी हमारे दादाजी भी बता रहे थे कि सहकारी बैंक के बारे में कि कोई भी काम हो किसानी के क्षेत्र में तो हमें हर बात को लेकर के धमतरी जाना। जी नाम बताओ। जोहर सिंह साहू, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत अकला डोंगरी। जी सरपंच साहब, चूँकि आप सभी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, तो इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका निजात दिलाना जरूरी है? सबसे बड़ी समस्या पुल निर्माण का है। शमशान घाट मार्ग में जाने के लिए पुल नहीं है। बरसात के दिनों में सौ ले जाने में परेशानी होता है। और दूसरा रोड बाईपास रोड है, जो बरसाला जाने के लिए वहाँ हमेशा जानवरों को ले जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में परेशानी होता है। और दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल का समस्या है। धमतरी से द न्यूज़ इंडिया के संवाददाता यशवंत साहू की रिपोर्ट।